आज के जो हमारे फूड्स हैं उसमें आपको मिलेगा विटामिन ए फॉर योर आइज, विटामिन सी फॉर योर इम्यूनिटी, आयरन फॉर योर रेड ब्लड सेल्स, कैल्शियम फॉर योर बोन्स एंड प्रोटीन फॉर योर मसल्स, वो भी इन पांच फूड्स में। हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है जे और आप देख रहे हैं चैनल फ्यूल टू फिटनेस। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप 5 फूड्स की जो आपको विंटर्स में खाने चाहिए। इन फूड्स को डाइट में इंक्लूड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो इन फूड को डेफिनेटली आप अपनी डाइट में एवरी डे इंक्लूड करें, टॉप 5 फूड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड नंबर 1 है आपकी स्पिनिच, पालक। आपने पोपाई को देखा होगा बचपन में जब आप कार्टून देखते थे। तो स्पिनिच के बेनिफिट क्या हैं, स्पिनिच को आपको क्यों इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। स्पिनिच में मिलते हैं आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पोल्यूशन से बचाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स से आपका ब्लड साफ होता है। और स्पिनिच का मेन कंपोनेंट है आयरन। आयरन आपको मिलेगा तो आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, जिसमें खून की कमी है उसे स्पिनिच डेफिनेटली इंक्लूड करने चाहिए। वैसे तो हम अब स्पिनिच अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते, लेकिन सर्दियां बहुत ही बेहतरीन चांस हमें मिला है स्पिनिच इंक्लूड करने का डाइट में। जैसे कि हम स्पिनिच को सब्जी के तौर पे खा सकते हैं, हम कर्ड में मिला के इसका रायता बना सकते हैं और वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो डेफिनेटली हम इंक्लूड कर सकते हैं सर्दियों में, बहुत ही अच्छा चांस है, रेडिली अवेलेबल है। तो स्पिनिच फूड नंबर 1 है मेरा। इज फूड नंबर 2 पीनट्स। हम पीनट बटर खाते हैं, पूरे क्रेज़ है इंडिया में, हैव पीनट बटर, हैव पीनट बटर। सबको पता है हैविंग ए स्पून और टू स्पून ऑफ पीनट बटर इज़ वेरी हेल्दी। बट क्यों इंक्लूड करें अपने डाइट में, वाई? तो वाई हमें पता होना चाहिए कोई भी चीज़ इंक्लूड करने से पहले। इसमें मिलते हैं आपको हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन। हेल्दी फैट्स हमारी स्किन के लिए और हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें पीनट्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। हम पीनट बटर भी लेके आते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें पीनट्स इतने रेडली अवेलेबल हैं तो क्यों ना डायरेक्ट पीनट्स ही हम खाएं और अपनी डाइट में से इंक्लूड करें। सो एवरी डे इंक्लूड करें पीनट्स को अपनी डाइट में। सो गाइस, फूड नंबर 3 ऑरेंजेस। अब वाई ऑरेंजेस का वाई क्यों है? पहली बात तो ये टेस्टी फूड है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ऑरेंजेस खाने में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, होप आपको भी लगते होंगे ऑरेंजेस टेस्टी। अब क्योंकि सर्दी आ रही है और बुखार हो रहा है बच्चों को, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और कोरोना भी फैल रहा है, तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस इज दिस सुपर फूड। अब हाउ एंड वाई? क्योंकि ऑरेंजेस में आपको मिलता है विटामिन सी, और विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इम्यूनिटी में। सो डेफिनेटली आपको इंक्लूड करना है। स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो स्किन कहते हैं हमारी अच्छी नहीं हो पाती, तो स्किन में जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं कोलेजन प्रोटीन, और वो रिबिल्ट होने में विटामिन सी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऑरेंजेस उसमें हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली इंक्लूड करें अपनी डाइट में ऑरेंजेस। सो गाइस, सुपर फूड नंबर 4 फूड का नाम है कैरेट्स। कैरेट्स सबको पता है और आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो फॉर योर आइज विटामिन ए मिलता है इसमें भरपूर मात्रा में फॉर योर आइज। कैसे इंक्लूड करना है अपनी डाइट में? आप कैरेट का जूस पी सकते हैं या कैरेट सैलड की फॉर्म में ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो कैरेट्स को डेफिनेटली इंक्लूड करें अपनी डाइट में, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इस फूड को। और क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो 3-4 आवर्स हम देते हैं सोशल मीडिया पे। और हमारी आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी जो चल रही हैं कॉलेज के बच्चों की, स्कूल के बच्चों की, वो ऑनलाइन ही मोबाइल पे चल रही हैं, तो हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मिलता है। तो 6-7 घंटे हम एवरी डे दे रहे हैं मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास मिला के, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते हैं, तो वाई नॉट प्रोटेक्ट आवर आइज विद विटामिन ए? सो कैरेट्स इसमें आपको हेल्प करेंगे। आपकी आइज कैरेट्स से बहुत ज़्यादा महंगी है, तो कैरेट्स को डेफिनेटली इंक्लूड करें। चीप फूड है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है, आप अपनी डाइट में डेफिनेटली इसको इंक्लूड करें। तो गाइस, फूड नंबर 5 ऑन माई टॉप 5 लिस्ट, प्रोटीन। आपको जैसे पता होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का सबसे अच्छा और रेडली अवेलेबल सोर्स क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मे बी कर्ड, कर्ड एंड मिल्क आर द बेस्ट। अब वाई? सबसे पहले इसमें मिलता हमें प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन मिलता है मिल्क में? वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन, जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वे प्रोटीन का, वो मिल्क से ही डिराइव होता है।
आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं। तो वे प्रोटीन कैसे डिराइव होता है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क में हमें मिलता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन का जिसको नहीं पता, आप सप्लीमेंट स्टोर पे जाएंगे तो कैसीन प्रोटीन सबसे महंगा सप्लीमेंट मिलता है। जिसको नहीं पता, कैसीन प्रोटीन मिल्क से ही डिराइव होता है और मिल्क का मेन कंपोनेंट होता है कैसीन प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए आपको मिल्क एवरी डे पीना है, लेकिन क्वांटिटी देखनी है अपने फैट लॉस के हिसाब से और मसल गेन के हिसाब से। क्वांटिटी देखें आपको कितना पीना है, पर डेफिनेटली इंक्लूड आपको करना है। और कैल्शियम इसमें हमें मिलता है, कैल्शियम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सभी को पता है। और कैल्शियम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बोन्स, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। तो कैल्शियम को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, गोलियों से नहीं, मिल्क से, फ्रॉम नेचुरल फूड। नेचुरल फूड पे ज़्यादा जोर दें। अब आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं कैल्शियम की। वाई टू हैव ए कैल्शियम टैबलेट व्हेन यू कैन हैव इट फ्रॉम ए नेचुरल फूड लाइक मिल्क, सुपर फूड। सो डेफिनेटली इंक्लूड करें मिल्क को। तो गाइस, ये थे 5 टॉप 5 फूड्स हमारी डाइट में। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन सा फूड डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं, और वो भी बताएं जो ये पांचों फूड डाइट में इंक्लूड करता है। कमेंट में बताएं मैं आप कितने फूड यूज़ करते हैं। होप यू गाइस फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को गाइस, अगर आपने नहीं किया। वी आर ग्रोइंग फैमिली, बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियोज़ को। कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं हर वीक वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट।